प्रिय मित्रों, सुबह सेवा नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आदर प्यार स्नेह के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग के उत्साह प्यार को देखते हुए मेरा भी पूरा प्रयास रहता है कि अपने विद्वता के अनुसार आपको अधिक से अधिक कुंडली के बारे में, कुंडली देखने के बारे में, ग्रहों के बारे में, ग्रहों की युक्ति के बारे में, भावों के बारे में ज्ञान प्राप्त करूँ। आप लोग अगर इसी समय प्यार से मेरे प्रोग्राम को देखते रहेंगे, खुद कुंडली देखने के ज्ञाता हो जाएंगे। आज एक बहुत सुंदर प्रोग्राम अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके सामने, वो सुनिए। चंद्र बुध सूर्य मंगल ग्रह की युक्ति, कुंडली के किन किन भावों में महाभाग्यशाली बनाता है। जिसके लग्न में चंद्र बुध सूर्य मंगल की युक्ति है, ऐसे लोग विद्वान होते हैं, बचपन से ही भाग्यशाली होते हैं, पूर्ण उन्नति करते हैं, राजा के समान जीवन जीते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से चौथे भाव में चंद्र सूर्य बुध मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, राजनीतिज्ञ बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं, स्वतंत्र मनुष्य विचार के होते हैं, ऐसे लोग मंत्री संसद भी बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में चंद्र सूर्य बुध मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग पूर्ण विद्वान होते हैं, ऐसे लोग महान योग्यता प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं, कलाकार होते हैं और दूरदर्शी होते हैं, ऐसे लोग सीए बनते हैं, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, ऐसे लोग न्यायाधीश, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से नौवें भाव में चंद्र सूर्य बुध मंगल की युक्ति हो, क्या बात है, ऐसे लोग रंग से राजा बनते हैं, जीरो से हीरो बनते हैं, कई उद्योग के मालिक होते हैं, स्वयं निर्माणकर्ता होते हैं, पूर्ण भाग्यवान होते हैं, ऐसे लोग परिवार में, समाज में, देश में, विदेश में अपने नाम को रोशन करते हैं और महान भाग्यवान होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से ग्यारहवें भाव में चंद्र सूर्य बुध मंगल की युक्ति हो, क्या बात है दोस्त, ऐसे लोग कई बार विदेश भ्रमण करते हैं, ऐसे लोगों के संतान भी योग्य होते हैं, पत्नी भी योग्य होती है, माता पिता से भी धन दौलत मिलता है, गड़ा हुआ धन मिलता है, जमीन से धन मिलता है, ऐसे लोग कम परिश्रम में करोड़ों रुपया कमाते हैं, देश में अच्छी इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, ऐसो आराम का जीवन व्यतीत करते हैं, इनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। ये बहुत छोटा सा वीडियो आपके सामने आज मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी आपके सहयोग के लिए मैं बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। इस पर संपर्क करिए, मैं समय होगा, मेरे लायक होगा तो मैं आपसे बात करूँगा। अगर कोई मित्रगण अब मेरे द्वारा अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, उसके लिए कुछ सहयोग देना होगा, सहयोग देंगे तो मैं कर दूँगा विवेचन। इतना करते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, नमस्कार।